स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लकमी आस्क यू समिंग आप पूरा दिन क्या करते हैं आप उठकर नाश्ता करके स्कूल जाते हैं फिर घर वापस आकर थोड़ा नैप लेते होंगे फिर फैमिली के साथ थोड़ा बैठते होंगे खेलते होंगे ऐसा ही है ना बट मुझे ये बताइए कि इफ यू हैड सम फ्री टाइम इन योर डे बेश वो वन आवर का हो या जब मर्जी का तो उस टाइम को क्या कहेंगे दैट टाइम वुड बी कॉल्ड आर लेजर टाइम और फ्री टाइम और अब आप मुझे यह बताएं कि आप उस टाइम में क्या करते हैं हर कोई उस टाइम पे मुख्तलिफ चीजें करता है सम ऑफ यू मे लाइक टू टेक दैट टाइम टू रीड बुक एंड सम ऑफ यू मे लाइक टू टेक दैट टाइम टू टेक अ ब्रीफ वॉक And some of you might like to play video games in that time. The poem which we are going to be studying today is called Leisure. It is written by W. H. Davies. Before going into the poem in detail, let us look at some of the unfamiliar words and their meanings. Our first today is leisure, which is a noun. Leisure has different meanings. है. एक ये है कि इट इज दैट टाइम व्हेन वन इज नॉट वर्किंग और ऑक्यूपाइड मीनिंग द फ्री टाइम फॉर एग्जांपल, मोस्ट बिजी पीपल ओनली हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेजर टाइम इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है अनहरीड ईज फॉर एग्जाम्पल शी रोट नॉवल इन लेजर इसके कुछ सिंडनम्स हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ Respite. और इसके कुछ एंटीडम्स हैं वर्क टॉयल एग्जर्शन इसके कुछ नियर बाई वर्ड्स हैं लेजरली जिसका मतलब है एक्टिंग और डन एट लेजर टू बी अनहरीड और रिलैक्स्ड फॉर एग्जांपल अली वांटेड टू टेक अ लेजरली वॉक इन द होटल गार्डन्स आफ्टर ब्रेकफास्ट इससे रिलेटेड अगर हम ईडीएम सोचें तो वो है एट योर लेजर जिसका मतलब है व्हेन यू वांट टू और व्हेन यू हैव द टाइम टू डू इट फॉर एग्जांपल विद ऑनलाइन बैंकिंग यू कैन ऑपरेट योर अकाउंट एट होम एट योर लेजर और इससे रिलेटेड कोर्ट हो सकता है इफ यू आर लूजिंग योर लेजर लुक आउट यू मे बी लूजिंग योर सोल हमारा आज का दूसरा लफ्ज है स्टेयर जो कि एक वर्ब है इसके मानी है टू लुक फिक्सडली एट समथिंग और समवन विद वन आईज वाइड ओपन लाइक वेन यूर सरप्राइज्ड और फ्राइटेंड और वेन यूर थिंकिंग फॉर एग्जाम्पल ही यूज टू स्टेयर एट मी सो मच दैट आई यूज टू फील अनकंफर्टेबल इसका एक और मीनिंग ये भी हो सकता है

Which is the ing form or the progressive form of the verb stare? For example, staring is a rude habit. If we look this related then a thousand yard stare, which means a long look into the distance, typical of someone who has suffered a severe emotional shock. For example, the returning soldiers had a thousand yard stare of people who have seen an awful lot of not very nice things is related a idiom bhi ho sakta hai to stare something in the face which means something which is very easy to see or something which is obvious for example the answer had been staring us in the face all along is related quote ho sakta hai sometimes we stare so long at a door that is closing that we see too late the one that is open teesra loves a glance had to take a brief look or a hurried look for example Maria glanced at her watch and realized that she was very late for her appointment. ho sakta hai to shine reflect light or sparkle for example the sunlight glanced on the lake. इसके कुछ सिनेम्स हैं पीक ग्लिम्प्स इसके कुछ एंटेनिम्स हैं गेज स्क्रूटनाइज स्टडी इसके कुछ नेबाई वर्ड्स हैं ग्लैंसेबल विच मीन्स इंफॉर्मेशन ऑन अ स्क्रीन विच कैन बी रेड एंड अंडरस्टूड क्विकली एंड ईजीली फॉर एग्जाम्पल डेटा यूजेज विल ऑल्सो बी मेड ग्लैंसेबल थैंक्स टू अ लाइव टाइल इससे रिलेटेड ईडियम्स हैं एट अ ग्लॉन्ट्स विच मीन्स इमीजिएटली फॉर एग्जाम्पल ही कुड टेल एट अ ग्लान्स दैट समथिंग वॉज रॉन्ग इससे रिलेटेड एक ईडियम यह भी हो सकता है एट फर्स्ट ग्लांस जिसका मतलब है वेन फर्स्ट लुकिंग फॉर एग्जाम्पल एट फर्स्ट ग्लांस आई थॉट इट वॉज अ डॉग बट आई वॉज मिस्टेकन इससे रिलेटेड कोट है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे डांस हमारा आज का अगला लफ्ज है केयर जिसकी मानी है टू गिव वॉट इज नेसेसरी फॉर द हेल्थ वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ समन और समथिंग फॉर एग्जाम्पल वी शुड पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टू द केयर ऑफ आर पेरेंट्स इन द ओल्ड एज इसके अकॉर्ड मायने ये भी हो सकता है सीरियस अटेंशन और कंसिडरेशन अप्लाइड टू डूइंग समथिंग करेक्टली फॉर एग्जाम्पल ही प्लान द इंटायर ट्रिप विद ग्रेट केयर इसका एक और मतलब भी हो सकता है टू फील कंसर्न और इंट्रस्ट और टू अटैच अप इंपॉर्टेंस टू सम फॉर एग्जाम्पल दे डोंट केयर अबाउट ह्यूमन लाइफ इसके कुछ सिनेम्स हैं कस्टडी टेंड सेफ कीपिंग इसके कुछ एंटेनम्स हैं निगलेक्ट डिसरिगार्ड ओवरलुक केयरलेस इसके कुछ नीयर बाय वर्ड्स हैं केयरफुल जिसका मतलब है मेकिंग श्योर ऑफ अवॉइडिंग पोटेंशियल डेंजर मिसहैप और हार्म फॉर एग्जाम्पल आई बेग्ड हिम टू बी मोर केयरफुल इससे रिलेटेड एक और वर्ड है केयरलेस जिसका मतलब है नॉट गिविंग सफिशेंट अटेंशन और नॉट बींग कंसर्ड अबाउट समथिंग फॉर एग्जाम्पल She was scolded for being careless and losing all her money. Is her related have ek idiom without a care in the world? Which means without worrying about anything. For example, the rich man's daughter lived her life with a care in the world, with shopping and partying. Is related idiom to have all the cares of the world on your shoulders which means to be very worried by many different problems for example you look as if you have all the cares of the world on your shoulders is a related quote hai, take care to get what you like or you will be forced to like what you get hamara broad hai, having a distance greater or larger than usual from side to side or to be wide एग्जाम्पल अ ब्रॉड स्टेर केस इसका एक और मतलब कवरिंग अ लार्ज नंबर एंड वाइड स्कोप ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल दिस कंपनी हैज अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस इसका एक और मतलब है अ वेन फॉर एग्जाम्पल दैट ब्रॉड सर्टनली नोज हाउ टू ड्रेस सो एलिगेंटली इसके कुछ सिंडेनम्स हैं वाइड थिक वास्ट एक्सटेंसिव इसके कुछ एंटेनम्स हैं नैरो लिमिटेड इसके कुछ हैं नेबली विच मीन्स वाइडली एंड ओपनली फॉर एग्जाम्पल ही वॉज ग्रीनिंग ब्रॉडली द होल टाइम ही वॉज रीडिंग द जोक इससे रिलेटेड कुछ ईडियम्स को देखें तो हैं एज ब्रॉड एज अ बॉन्ड ओर टू बी वेरी फैट और वाइड फॉर एग्जाम्पल That space between the two cars was as wide as a barn door. You could have easily parked there. Is a related quote Hey, The world of learning is so broad and the human soul is so limited in power. Students, let us look at a brief summary of this beautiful poem now. The poet William Davies is basically criticizing us and being sad over the fact that nowadays people have become so busy in their normal life that we have forgotten to take out free time for ourselves and to look around nature to enjoy it. We have forgotten how it feels to just stand somewhere and gaze at the beautiful things Allah has made for us. Ya humai simply time hi nahi hota He further says that we do not even have time to look at little things or enjoy them. Like a squirrel hiding his nuts or a beautiful girl dancing. दरअसल हम सब अपनी हेक्टिक लाइफ रूटीन्स में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं इन द एंड द पोए टेक्स पिटी ऑन अस एंड सेज दैट इफ अ पर्सन डज नॉट अप्रिशिएट द ब्यूटी अराउंड हिम ही इज इन डीड पुअर एंड हैज लेड अ वेस्टेड लाइफ स्टूडेंट्स आई होप दैट यू अंडरस्टूड एंड रियली लाइक दिस पोएम मेक श्योर टू टेक आउट सम लेजर टाइम फॉर येल्फ्स अगर आप ऐसा करेंगे So, you will surely feel relaxed. Now, we shall test ourselves to see how much we have learned from this episode. Circle the correct answer. Question number one What two animals does the poet mention in his poem? A. Ducks and swans. B. Sheep and cows. C. Ants and cows. D. Sheep and ducks. The correct answer is B. Sheep and cows. Question number two. What word does the poet use for a life in which we do not appreciate beauty? A. Poor life. B. Wasted life. C. Happy life. D. Sad life. The correct answer is A. Poor life. Number three. This poem, Leisure, is written by A. William Shakespeare B. William Keats C. W. H. Davies D. John Keats. The correct answer is C. W. H. Davies. Number 4. Filling the Blanks No time to see in broad daylight. Dash A. Streams full of stars like skies at night. B. And stare as long as sheep and cows. C. We have no time to stand and stare. D. None of the above. The correct answer is A. Streams full of stars like skies at night. Number 5. The word leisure means A. Careless. B. Careful. C. Free time. D. Broad. द करेक्ट आंसर इज सी फ्री टाइम स्टूडेंट्स अगली एपिसोड तक अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफ